सब्सक्राइब कीजिए मैथ सर्कल को और हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ सर्कल। ये यहाँ पर हमारा पॉलिनोमियल का मतलब पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर चल रहा है। एनवीएस टीजीटी की प्रिपरेशन चल रही है और इसमें ये नाइन्थ लेक्चर है और सेकंड चैप्टर है। इसमें नाइन्थ नहीं, ये टेंथ लेक्चर है क्योंकि नाइन्थ शायद पिछला हो चुका है, तो ये टेंथ लेक्चर है। और इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है वो छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा है नहीं। इसके बाद एक वीडियो और आएगी और पॉलिनोमियल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशियंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो आप देख रहे होंगे कोफिशियंट ऑफ अ पॉलिनोमियल और जीरोज के बीच में ये एक रिलेशन है, जो रिलेशनशिप होती है जिससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं कुछ इस तरह के। देखिए, हम लोगों ने पुराने वीडियोज में जीरोज निकालना सीख लिया है। कोफिशियंट हमें पता है क्या होते हैं, जैसे एक एक क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, ए है। एक्स का कोफिशियंट क्या है, बी है, और बस दो ही हैं, ठीक है। तो ये कोफिशियंट होते हैं जो आगे पर होते हैं। और जीरोज क्या होते हैं, एक्स की वैल्यूज होती हैं। अगर ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, टू पावर वाली है। तो ये दो वैल्यूज क्या होती हैं, यही क्या होते हैं, इसके कोफिशियंट, ये इसके जीरोज होते हैं। तो इनके बीच में रिलेशन है एक। तो रिलेशन क्या है, हमने मान लिया कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके दो जीरो जो सॉल्व करने पर आएंगे, तो एक को अल्फा और एक को बीटा हमने लेट कर लिया है। तो ध्यान दीजिए, अब इसके दो जीरोज हैं, इन दोनों जीरोज का सम जो होता है वो किसके इक्वल होता है, देखिए एक्स का कोफिशियंट क्या है, बी है, तो माइनस बी, और एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, ए है, तो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। यानी जो हमारे क्या है, जीरोज हैं, उनका सम माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है, ठीक है। बी क्या है, एक्स का कोफिशियंट है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है, ये सम है, ठीक है। आगे देखिए प्रोडक्ट, अगर इन्हीं का हम प्रोडक्ट करें तो वो क्या होता है, सी अपॉन ए। सी मतलब जो कांस्टेंट है और ए मींस जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है। तो इसका अगर रेशियो करेंगे तो क्या आएगा, इनका प्रोडक्ट आएगा ये जीरोज का। तो पहले इसको वेरीफाई करते हैं, उसके बाद इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे कि थोड़ा अलग सा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है तो हमसे कह रहा है ये रिलेशन को वेरीफाई करो। अगर आपको ये रिलेशन की वैल्यूज दी हों तो आपसे पॉलिनोमियल निकालो भी कह सकता है, वो दूसरी तरीका है, ठीक है। दूसरा तो वही एग्जाम में आ सकता है, हम एक बार देख लेते हैं फिलहाल। तो पहला क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे एक लिख रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन, ये एक पॉलिनोमियल लिया है। इसके लिए आप क्या करो, कहा है हमने कि इसके आप क्या निकालो, जीरोज या रूट्स निकालो और साथ में ये रिलेशन को वेरीफाई करो, ठीक है। तो हम पहले इसके जीरोज निकालते हैं। हमने सीखा है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसलिए इसके जो क्या निकलेंगे, जीरोज निकलेंगे, वो मिड टर्म स्प्लिटिंग से निकलेंगे, यानी मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा टू पार्ट्स में। कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट वन और ये कॉन्स्टेंट टेन, वन इंटू टेन टेन होता है, और टेन के हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो टू फाइव जा टेन, फाइव वन जा फाइव। तो देखिए फाइव टू और फाइव के पेयर बन रहे हैं, फाइव और टू को ऐड करने पर आ रहा है सेवन, यानी सही आ रहा है। यानी इसका मतलब हम क्या करेंगे, सेवन की जगह फाइव प्लस टू लिख सकते हैं। उसके बाद अगले स्टेप में हमने एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करके ये ओपन कर लिया, फोर टर्म बन चुके हैं। अब क्या करेंगे, आप शुरू के टू टर्म्स में कॉमन लेंगे, हमने एक्स कॉमन लिया तो एक्स प्लस फाइव बचा, लास्ट के टू टर्म में प्लस टू कॉमन लिया तो फिर भी एक्स प्लस फाइव बचा, यानी ये बॉक्स के अंदर वाला सेम आ रहा है, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। अब एक बॉक्स में तो एक्स प्लस फाइव आएगा ये, और एक बॉक्स में ये एक्स और टू आएगा, तो हमने लिख दिया एक्स प्लस टू। तो दो आगे हैं, हमें अगर जीरोज निकालने हैं तो इसको जीरो के इक्वल करना पड़ेगा। तो एक बार एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो रखेंगे तो एक्स की वैल्यू माइनस टू आएगी, एक बार एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो रखेंगे तो एक्स की वैल्यू माइनस फाइव आएगी। अब ये दो जीरोज आ चुके हैं, जो क्या है, एक को अल्फा समझ लीजिए, एक को बीटा, आप चाहें तो फर्स्ट को या सेकेंड को, आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई। तो ये देखिए कर रखा है, पहला रिलेशन था सम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, हमने दोनों का सम किया, माइनस टू माइनस फाइव इक्वल टू माइनस, ऐसे रहने दिया है, और बी अपॉन ए, बी की जगह क्या रखेंगे, ये सेवन और ए की जगह वन और सी की जगह टेन। तो यहाँ से वैल्यूज रखी और हमने देखा कि ये माइनस सेवन और माइनस सेवन, यहाँ माइनस लगाना भूल गए हैं, दोनों इक्वल आ गए हैं, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो गया। ऐसे प्रोडक्ट पे क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, तो दोनों का प्रोडक्ट किया और सी और ए की वैल्यू रखी, तो सॉल्व किया, टेन इक्वल टू टेल आ रहा है, यानी इसका मतलब ये क्या है, वेरीफाई हो रहा है, यानी ये रिलेशन जो है वो सही है, आपसे डायरेक्ट रिलेशन पूछ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है, जो मैं बोला था दूसरा टाइप इस पर, वो आ सकता है अगर आपको सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी हो, तो आपका पॉलिनोमियल कैसा होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात चल रही है, क्यूबिक की नहीं चल रही है। क्यूबिक वाला मैं अगले पार्ट में लेके आऊंगा, साथ में एक और तरह का क्वेश्चन है वो लेके आऊंगा, तो लास्ट वीडियो होगी वो वाली, थोड़ी बड़ी रहेगी अगली वीडियो, लेकिन उसमें हम कंप्लीट कर देंगे पॉलिनोमियल को, ठीक है। तो इसको देखते हैं, अगर आपको ये दोनों चीज़ें गिवन हो तो जो पॉलिनोमियल बनेगा वो इस फॉर्म का बनता है, एक्स स्क्वायर
माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी जो सम आपको दिया है वो ऑफ एक्स और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट में। तो ये इक्वेशन अगर याद रखेंगे तो आपका तुरंत बन जाएगा। और भी इसकी मेथड है लेकिन वो लंबी मेथड है, तो हम सबसे शॉर्टेस्ट मेथड को सीख रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन में जैसे दिया है आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालना है, आपको सम और प्रोडक्ट दिया गया है जीरोज का -3 और 2, यानी सम जो है वो -3 आता है और प्रोडक्ट करने पर 2 आता है, यानी हमें अल्फा प्लस बीटा दिया है -3 और अल्फा इंटू बीटा दिया है 2। तो हमें पॉलीनोमियल निकालना है। आपको पता है पॉलीनोमियल का ये है फॉर्मूला, तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की जगह -3 रख दिया और अल्फा इंटू बीटा की जगह 2 रख दिया, बाद में ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो +3x+2, यानी पॉलीनोमियल आ गया x²+3x+2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया। तो यहाँ पर आज फिलहाल दो ही तरह के ये टॉपिक लिए थे मैंने, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम हो चुका था और लाइव भी नहीं आ पा रहा था मैं किसी प्रॉब्लम की वजह से। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, अभी ये छोटा ही वीडियो है, लेकिन जो अगला वीडियो कल आएगा वो थोड़ा लंबा रहेगा और उसमें सारा पूरा कॉन्सेप्ट हम कंप्लीट कर लेंगे और उसे हम यहाँ पर लाइव करेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट करके, और वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।